मैंने देखा है कि ना अभी लड़के जो है वो फीड चला रहे हैं। सुबह इससे पहले मैं एक दफा विजिट कर चुका हूँ। ये देखें जी, ये आ गया डीजल, इसको पाइप लगाते हैं। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपके पास राजा शाहिद और आप देख रहे हैं व्लॉग विद राजा शाहिद। आज बेसिकली मैं हूं फार्म नंबर 3 के ऊपर और यहां पर जो चूजा है हमारा 28 दिन और 27 दिन का हो गया। जो इस साइड पर फार्म है, शेड है, यहाँ पर 28 दिन का हो गया और जो इस साइड पर शेड है यहाँ पर 27 दिन का हो गया। और यहाँ पर हमें कुछ मसले मसाइल फील हो रहे थे जिसकी वजह से मैं फार्म के ऊपर आया था और अभी मुझे 3 दिन हो चुके हैं यहाँ पर स्टे कर रहा हूँ। कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग बना नहीं सका और दूसरा बस यही वजह थी, काम में मसरूफियत थी इस वजह से भी नहीं बना सका। तो अब आप कहते होंगे रोज़ाना के इसके लेम एक्सक्यूज़ेस, तबीयत ख़राब, काम में मसरूफियत, काम ही तो आप देखना चाहते हैं। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना मैं खुद को मोटिवेट कर रहा हूँ कि डेली जो है ना वीडियोस लाजमी शूट कर लिए जी। तो दोस्तों ये वही बंदा है जो हमें अक्सर मिलता रहता है। हमारा जो एक शेड है ना उसका चूज़ा ठंड कर रहा था तो उसके लिए हमने ये मंगवा लिया ब्रूडर किसी दूसरे फार्म से। तो अभी इसको अंदर इंस्टॉल करते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं, चूज़े को जगह भी देनी है वो भी दिखाते हैं। तो जल्दी से ना इसको उतरवा लेते हैं अभी। फिर मैं रात क्या चावल ला के आई हैं चावल दे के जाना कि फिर की अपना हमने ऐसे है केड़े चावल पकाए सी सादे केड़े सादे चिट्टे चावल पकाए सी हैं बिरयानी बनाई ले या सादे या बिरयानी ओ ना मोगे ने दो देगा मका दियां फट के दो है आदम खांदा ही बड़ा है। आदम तो फिर चावल नहीं खवाने इंशाल्लाह कदों अगली महफिल थे नहीं आज शहरों नहीं यार देख दे चावल खाने में अच्छा हाँ जी रखे होंगे लाजमी चावल रख दिया एक प्लेट ना सर जाएगा लेके आना पे चलो ठीक है मैं नाश्ता नहीं किया हाले। ये देखे जी फार्म के ऊपर हमारे पास जनरेटर पड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये गंदे हैं, गंदे नहीं है, ये ऑयल लगा हुआ सारा जिसकी वजह से ना ये ब्लैक ब्लैक हो गया और काफी पुराने हैं ना इस वजह से भी। अच्छा अभी मैं बाहर आया हूँ ना तो मैंने देखा है कि ना अभी लड़के जो है वो फीड चला रहे हैं। सुबह इससे पहले मैं एक दफ़ा विजिट कर चुका हूँ तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले फीड वगैरह चल जाए उसके बाद फिर जो है ना मैं हम शेड के अंदर चलेंगे। तो सोच रहा हूँ कि आपको फीड दिखाता हूँ, चले मैं दिखाता हूँ कि कैसे बर्तनों में फीड आ रही है। ये देखें जी माशाल्लाह ये 28 दिन का चूज़ा है, ये काफ़ी बीमार रह चुका है जिसकी वजह से ना आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना ये स्पेस में नजर आ रहा होगा। तो जैसे फीड मुकम्मल होती है आपको बताते हैं कि आज 28 दिन के ऊपर हमने चूजे को कितनी फीड दी है और फिर थोड़ा बहुत जो चूजा है वो भी आपको विजिट करवाते हैं। चूजा तो हमारा फीड खा रहा है लेकिन मैंने अभी खुद फीड खाई नहीं है, खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, सुबह चाय पी थी। तो अभी चलते हैं कुक साहब के पास, उनको कहते हैं कुछ खाने के लिए दें तो वो खाना वगैरह खाते हैं। हम जब तक हम खाएंगे तब तक चूजा भी खा जाएगा फिर हम चूजा जो है वो विजिट करेंगे। जी कोक साहब की पकाया आज पकाओ आज चावल चावल ले मैं अवे उनू केना पे चावल ले गया किन्नु ओनु खुदाया नु जे ले आवणा ते ले आए थे तो मैं आशा तैयार तुर कीती है। अच्छा कौन से मन भूख लगी ते टिक्की बना देना ते दो पराठे पैर सूखे शामी बनती है तो फिर हम वो खाएंगे पै की है ये
ऐसे भी अच्छे कुक होते हैं फार्म्स के ऊपर। ये दोस्तों एक शेड में फीड मुकम्मल चल चुकी है और यहाँ पर लड़कों ने चक्कर लगाया तो ये ना चार जो मुर्गियाँ हैं ना चार चूजे ये मरे हुए हैं। तो अभी मैं आज आपके साथ जो हमारा टोटल चूजा है ना वो आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा कि हमने कितना चूजा प्लेस किया था, कितने का चूजा लिया था और कितना चूजा जो है वो मर चुका हुआ है, कितना बच गया है और अभी जो चूजे का वजन कितना है और किस दिन पे जाके हमने सेल करना। आज ये चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लाजमी आज का मेरा ये टारगेट है। अभी ये देखें ये जो चूजा है ना ये माशाल्लाह से आज 27 दिन का है और ये साहिब जो है ना ये देखें ये वाला जो चूजा है ये सोया हुआ है। कैसा है, कभी आपने सोया हुआ चूजा देखा है? अच्छा आपको ना कुछ शोर भी सुनाई दे रहा होगा, इसका शोर की वजह बेसिकली ये है कि यहाँ पर ना हमारा हीट वाला जो ब्रूडर है वो चल रहा है, ठीक है, तो इस वजह से शोर है शेड के अंदर। और ये आप देख सकते हैं ये वाटर निप्पल, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से चूजा पानी जो है ना पानी पीता है, इसके पूरी इस लाइन के अंदर ये जो लाइन है ना ये वाली इसके अंदर पानी चल रहा है और ये स्पोर्ट के लिए, ठीक है। और ये वायर बेसिकली इसलिए होती है ताकि चूजा जो है ना इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर ना बैठे, वरना सिस्टम जो है ना दो दिनों में ख़राब हो जाएगा या टूट जाएगा। ये देखिए ये चूजा पानी पी रहा है, सिस्टम जो है ना ये ख़राब हो जाएगा या सारा टूट जाएगा। मोटर सड़ी है, काली सा होई पई है। नहीं यार काली होई पई है, चलो मैं चाचे नु करना कॉल, पूछो दे चल रहा आर आ लाया अंदर। लो जी दोस्तों सुपरवाइजर साहब ने ब्रूडर देखा, वो कह रहे हैं कि ये तो जला हुआ लग रहा है, तो चले जहाँ से मंगवाया पहले उस सुपरवाइजर को करता हूँ मैं कॉल, फिर इसको देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है, अगर ये ख़राब हुआ तो फिर इसको यहाँ तो ठीक करवाएंगे या फिर इसको रिप्लेस करके किसी और फार्म से मंगवाएंगे, क्योंकि हमें ब्रूडर की अच्छा ज़रूरत है। चूज़ा जो है ना वो सर्दी फील कर रहा है, हमारे जो लकड़ी वाले हीटर लगे हुए हैं वो ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे, तो देखते पहले उस सुपरवाइजर को करते हैं कॉल, फिर देन नेक्स्ट जो है प्रोसीजर देखते हैं क्या करना है। नहीं जी ये सुपरवाइजर साहब ने तार लगा के लगाई और चेक कर रहे हैं। हाँ जी शाह जी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा यार, मेरी गल हो कहते चलता पे असं चलता भेजे को बटन बुटन देखे ना दे। चलो ओनू खालिद नू फोन कर लो, वो आके देख लेगा फिर ओनू। ये अभी सुपरवाइजर साहब ने चेक किया तो चला है, अभी डीजल वगैरह मंगवाते हैं इसके साथ, ये बेसिकली डीजल पे और इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, मोटर जो है इसकी वो चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे और जो आग इससे निकलती है वो निकलती है डीजल से। तो अभी डीजल वगैरह आता है ना तो फिर आपको ये सारा दिखाते हैं कि ये कैसे फील्ड जो है ना वो अंदर की पूरी करेगा, फिर उसके बाद इसको अंदर ले जाएंगे। पहले हमें मिस कन्फ्यूजन हो रही थी कि चलना कैसे है, तो वो बात हुई है इलेक्ट्रिशियन साहब से, उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है ना ये बटन है इसको छेड़े फिर चल जाएगा, अभी वो चल गया तो डीजल मंगवा के फिर इसको दिखाते हैं। ये देखें जी ये आ गया डीजल, इसको पाइप लगाते हैं। ध्यान के भैया ये लग रही है इसकी तार और हम हो जाते हैं थोड़ा सा दूर, फिर आपको दिखाते हैं इससे निकलती हुई आग। देखें ये चल गया है, आग नहीं निकली, नहीं लगी आग, बुलाओ किसी आग लाने वास्ते, धुआं निकल रहा आग नहीं निकल रही। डीजल की स्मेल आनी भी है, बस डीजल की स्मेल आ रही, बस लागी है ये।
देखें दोस्तों, ये आग निकल रही है इससे और पीछे पंखा चल रहा है और ये गर्म हवा आ रहा है, जो अब फुल गर्म हवा आ रही है। बट ठीक है, उन्हें अंदर के रखो, उन्हें चलता है। ये देखें, इसको ना हम डायरेक्ट फर्श पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे ताकि फर्श को आग ना लगे। थोड़ा सा धुआं जो है ना आ रहा है इससे। वो पंखे वगैरह चल रहे हैं हमारे, हमारा कौन सा भी ओपन शेड है, कंट्रोल शेड है, इतना को धुआं कुछ नहीं कहता जी। तो दोस्तों फाइनली चावल आए और ये हमारे पास आ गया सैलड। हमारे कुक साहब ने कहा है सब हम आपको खुद बना कर देंगे, देख जैसे चावल आप क्यों बाहर से मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे चावल बनाए हैं, अभी शाम ही लेके आ रहे हैं वो, तो वो भी आपको दिखाते हैं और मज़े मज़े से खाते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों इसको हमने शेड के अंदर प्लेस कर दी है और अभी इसको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये ना शेड में किस तरह से हीट करता है। चले जी, इसको ऑन करें ज़रा। ये हमारे इफ्तिखार साहब हैं, असिस्टेंट साहब हैं ये हमारे, ठीक है। ये पहले इस तरह से शू करेगा, उसके बाद ये पकड़ेगा आग। चलो लगता है इन्होंने भी बल्ब भुल गया। चलता है यार, अगे चलाया है, मेरे को वीडियो पई है। दोस्तों ये चल गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो चूजा है ना, ये देखें थोड़ा थोड़ा आपको इकट्ठा इकट्ठा फील हो रहा होगा। अभी ये थोड़ी सी देर चलेगा तो ये जो टेम्परेचर है ना अंदर का, ये सारा पूरा कर देगा। मौलवी साहब इन्हें ना चला दे रहा करो। ठीक है सर, ऐसा जी थोड़े आने पहले पहले चलाया सी। बस ठीक है, मैं जेड़ा भी काम करवा ना थोड़े आने तो पहले कर दिता है सर जी। हां हूं ही खराब होया है थोड़े आने तो पहले। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। चल भैया, अच्छा मसला ना बहुत ज्यादा होता है चूजे के साथ। जब आप शेड के अंदर विजिट कर रहे होंगे ना, आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, कैमरा ऑन नहीं है, तो फौरी तौर पर आपको बहुत सारे ऐसे मसले वाले चूजे नजर आएंगे। और जब आप इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, ग्रुप के अंदर इसकी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, मजाल है कि इनके अंदर कोई इशू नजर आए, बिल्कुल ओके हो जाते हैं, बिल्कुल कि इनके अंदर कोई मसला ही नहीं हुआ। बस सर जी की करिए, चूजे बहुत सारे ड्रामे करते हैं। कोई गल नहीं, जो असि इन्होंने ड्रामा किया ना सेट हो जाएंगे परफेक्ट ओके। तो अभी थोड़ा सा आपको जो है ना वो शोर सा विजिट करवाते हैं और थोड़ा बहुत चीजें के बारे में बताते हैं और फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो ना बहुत लंबी हो गई है। अच्छा तो दोस्तों मैं चूजे का विजिट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चूजा जो है ना हमारा काफी पहले से बेहतर है। पिछले दिनों ना इसके अंदर आईबीडी की बीमारी आ गई थी, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो आईबीडी के ऊपर होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो जरा पिछली वीडियो जो है वो जाकर देखें। और चूंकि वो फार्म मैनेजर इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैं 5 फार्म जो है वो मैनेज कर रहा हूँ और जिनमें से ये हमारा फार्म नंबर 3 है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया भी है। तो अगली जो वीडियो वो आईबीडी के ऊपर बनाएंगे और आपको सारी जो कंप्लीट डिटेल है ना वो सारी बताएंगे। अच्छा इसका मैं बता रहा था, ये जो हमारे पास चूजे है ना, इसकी जो ब्रीड है ये है ओलंपिया चिक्स है ये। और इसके अंदर ना शुरू में जो हमें मसला फेस हुआ था ना वो फंगस का हुआ था। अगर कहीं पर मुझे तस्वीरें मिली तो मैं जरूर वीडियो के अंदर ऐड करूंगा। तो जब भी चूजा रिसीव करते हैं कुछ चीजें होती हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं अपना रेगुलरली आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो जो लोग भी पोल्ट्री के मुतालिक और कोई इन्फॉर्मेशन, फार्मिंग के मुतालिक, बिजनेस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे उनको जरूर बताएंगे। तो ये चूजा जो है वो हमने 160 रुपए का लिया था और इस शेड के अंदर हमने 30,000 चूजा प्लेस किया है। और उस 30,000 चूजे में से अभी तक जो है ना वो हमारी 955 मोर्टैलिटी होगी है, ऐसे ही है ना, 955 मोर्टैलिटी होगी है। और आज ये हमारा जो चूजा है ना ये 28 दिन का हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो है ना वो 980 ग्राम जो है ना वजन हो चुका होगा। किसी वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर आपके साथ वजन करते हुए वीडियो बनाई थी, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बनाएंगे। मेरी कोशिश ये है कि जो भी काम है ना वो एक दफा ही आपको अच्छे से दिखा दें। तो चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत विजिट आपको भी दिखाते हैं कि आपने कैसे शेड का विजिट करना है, फिर इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। ये देखिए, ये जो वाटर लाइन है ना ये काफी नीचे हुई हुई है,
यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना इस लेवल के ऊपर आकर तो चूजे के मुंह से ये नीचे है, तो इसके अंदर चूंकि सक्शन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, जैसे हम पाइप के थ्रू बोतल पी सकते हैं, चूजा बोतल जो है वो नहीं पी सकता, ठीक है। तो अभी ये जो है ना इसका लेवल ठीक कर रहे हैं, ये डोरियां लगी होती हैं, इसको हम वक्तन फवक्तन जो है ना वो ऊंचा करते रहते हैं। और साथ ही ना यहाँ पर हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये रूलर लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपरली जो है वो वेंच सिस्टम होता है। अगर यहाँ पर फीड की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना ये वाली फीड चल रही है, ठीक है, ये फीड है SB फीड, ठीक है। और इसका जो पैलेट साइज है वो आप देख सकते हैं कि इतना जो है ना ये इसका पैलेट साइज है। और अभी हमारे चूजे को आज 28 दिन है तो 65 बैग चल रहे हैं डेली के, ठीक है। और फार्मूले की बात करें जो फीड है ना ये 4.3 के फार्मूले से चल रही है, फार्मूला भी आपके साथ वीडियो में किसी में बताएंगे, आप सोच रहे होंगे किसी वीडियो में ऐसा चीजें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे थोड़ी है कि एक वीडियो के अंदर आपको पूरी पोल्ट्री सिखा दें, पोल्ट्री सीखनी है तो चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ऐ तो यार अखीर ही हो गई है, अखीर है मोलू, ये अखीर। ये देखे जहाँ इतने सारे माशाल्लाह हेल्दी चूजे है ना वहीं पर कुछ मेरे जैसे जो है ना वो बीमार चूजे भी मौजूद है। ये देखें पुलिस साहब कटो यार इन्होंने, इस तरह के जितने भी चूजे हैं आपने फौरी तौर पर शेड से रिमूव करवाना, ये बीमार होते हैं, हो सकता है कि आपके बाकी हेल्दी चूजों के लिए नुकसान ले हो, क्योंकि ये जानवर जो है ना ब्रायलर इसके अंदर कोई भी वायरस बैक्टीरिया होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है, छोटा सा भी है चाहे इकोलाई का वायरस है अगर वो अपनी सीवियरिटी पर ऊपर जाएगा ना तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकता है, तो इस चीज के ऊपर आपने लाजमी फोकस करना। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को भी और फेसबुक को भी आप लाइक करें, और टिकटॉक का जो अकाउंट है उसको भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, और आप कहेंगे सबको फॉलो कर दें मुझे फॉलो करें। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।